हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो इस वर्कशॉप में हम लोग कुछ तीन चार बैंक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उनका Q4 का अपडेट्स क्या क्या है। बिफोर आई गो इन टू द डिटेल के सारे बैंक्स का रिजल्ट क्या है, कुछ मेगा ट्रेंड्स का डिस्कशन करते हैं कि मतलब अभी हो क्या रहा है सिचुएशन में, ठीक है। तो सारे अगर आप अपडेट्स पढ़ रहे हो फिनेंशियल्स का इस क्वार्टर या पिछले एक दो क्वार्टर से, आप देखोगे कि लाइक सारे फिनेंशियल्स का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग अप, राइट। बिकॉज अभी ऑफकोर्स इन अ हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट, राइट, सारे बैंक्स को कासा मिलने में डिफिकल्ट हो रहा है। कासा इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि कस्टमर जो अभी डिपॉजिट कर रहे हैं, कस्टमर टर्म डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज उसमें आपका रेट ज्यादा मिल रहा है। तो कस्टमर को लग रहा है कि यार मैं सेविंग्स अकाउंट में क्यों पैसा रखूं, राइट, या फिर करंट अकाउंट में क्यों रखूं, मैं अपना एक टर्म डिपॉजिट कर लूं या एफडी करवा लूं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, बैंक्स का कासा परसेंटेजेस आर कमिंग डाउन YOY QOQ, अगर आप सारे बैंक्स का है ये, ठीक है। इसलिए मैं ये ट्रेंड का पहले बात कर लेता हूं, देन आई मूव ऑन टू द इंडिविजुअल कंपनीज, तो आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब देखिए, एक तरफ आपका अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ते जा रहा है, आपका कासा फ्रेंचाइज यहां पे छोटे मतलब कासा डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट परसेंटेजेस आर कमिंग डाउन, तो आपका तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया। दूसरे साइड में आप सोचिए कि अगर इफ यू कैनॉट पास ऑन द राइजिंग कॉस्ट टू योर एंड कंज्यूमर, मतलब जो आपसे लोन लिए है, तो आपका यहां पे NIMs में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो भी बहुत फाइनेंशियल्स को ये दिक्कतें हो रहा है आज। और NIMs में दिक्कत हो रहा है तो मतलब ROA ROE इन सारे नंबर्स पे दिक्कतें हो रहा है। EPS का ग्रोथ उस रेट से नहीं हो रहा है जिस रेट से आपका लोन बुक को आप बढ़ा रहे हो। कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज आ नहीं रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये होगी एक वाला डिस्कशन। दूसरा चीज आप देखोगे कि फाइनेंशियल स्पेसेस में अगर आप कोई बड़ा बैंक हो, ठीक है, तो बड़े बैंक जिनका बहुत बड़ा ट्रस्ट है, राइट, और पूरे पैन इंडिया बेस है, उनका फिर भी कासा परसेंटेजेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखोगे जो एक पर्टिकुलर रीजन में है, वो लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गो द कासा फ्रेंचाइज, टू ग्रो द कासा फ्रेंचाइज, ठीक है। मतलब क्या है, उनका अगर आप कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का देख लोगे, उनका 18, 20, 22, 23% के ऊपर उनका कोई कासा परसेंटेजेस है ही नहीं। तो क्या होता है ना, उन पे और प्रेशर हो रहा है टू ग्रो द बुक एंड मेंटेन द NIMs, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे जितना स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो उतना ही माइक्रो फाइनेंस और SME MSME अनसिक्योर्ड में ज्यादा चले जाते हैं, बिकॉज दे आर बोरोइंग एट अ मच हायर रेट देन द बिगर बैंक्स। तो ये हो गई। अब चलिए थोड़ा डिटेल में आते हैं, एक एक फाइनेंशियल्स का बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का YOY का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज उनका रिसेंटली मर्जर हुआ है ना, HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के साथ मर्ज हो गया है, तो YOY डेटा इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि तब HDFC लिमिटेड का डेटा अलग से आता था, वो तो अलग से लिस्टेड स्टॉक हुआ करता था, ठीक है। लेकिन हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करके बोल सकते हैं कि लाइक सिचुएशन किस तरफ जा रहा है। पहला तो पॉइंट है कि लाइक उनका जो लोन बुक का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज ओनली 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इज नथिंग, ठीक है। तो 1.6% का ग्रोथ को अगर आप एनुअलाइज करोगे तो वो सब 10% का ग्रोथ होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लाइक मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्लियरली बताया, पिछले एक दो कॉन कॉल से वो क्लियरली बता भी रहे कि 15-17% से ऑन एन एनुअलाइज लेवल पे हम ज्यादा से ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपका 24-25 लाख करोड़ का लोन बुक है, सोचिए ना, तो उसमें से आपको 25-30% का ग्रोथ आपको नहीं मिल सकता है, राइट। तो HDFC बैंक का इन्वेस्टर्स के लिए मेरा एक ही चीज है कि इफ यू हैव लोअर एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, HDFC बैंक बिकम्स अ ग्रेट होल्डिंग। लेकिन अगर आपका थोड़ा हाई एक्सपेक्टेशन है, सो यू कैनॉट इमेजिन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी होल्डिंग अ बिजनेस जो आपको 13-15% का लोन बुक दे सकता है। सो 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल में जो ये ग्रोथ है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। जो मुझे सरप्राइजिंग लगा वो है कि उनका जो डिपॉजिट का पेस है, द डिपॉजिट बेस ग्रू 7.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये क्यों सरप्राइजिंग मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज पिछले कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये क्लियरली बताया था कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब ये होलसेल डिपॉजिट ले नहीं रहे बिकॉज दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव फॉर देम। प्राइस मतलब क्या है, सोचिए अगर आप होलसेल डिपॉजिट लेते हो और लेट से जो होलसेल में आज जो डिपॉजिटर है अगर वो बहुत अच्छा बड़ा एक रेट चार्ज कर रहा है तो आप पैसा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन इफ यू आर बोरोइंग मनी एट अ हायर पेस देन आपका NIMs एंड ROE इन सब इफेक्ट हो सकता है, गॉट इट। तो HDFC बैंक ने Q3 कॉन कॉल में ये बताया था कि हम ये होलसेल डिपॉजिट ले नहीं रहे बिकॉज वो मतलब जो प्राइस हमें पे करना पड़ेगा वो प्राइस से हमारे बिजनेसेस का प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक खराब हो सकता है। लेकिन इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर, जैसे आप Q4 में आप देखोगे, ये जो 7.5% का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है, इसका मेजॉरिटी जो ग्रोथ आया है इन दैट 7.5% का, वो आया आपका होलसेल से। तो मुझे मैनेजमेंट से यही पूछना है कि व्हाट चेंज्ड इन द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि
होलसेल का डिपॉजिट्स आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द रिटेल डिपॉजिट्स फॉर एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये बन जाता है बात, और तो ज्यादा कुछ है नहीं। और हाँ, एक और पॉइंट है कि अगर मैं अभी लोन बुक का बात करूं, तो सिर्फ 1.6% का जो ग्रोथ किया है, राइट, विच इज वेरी वेरी मीडियोकर इन नेचर, राइट। तो 1.6 बिकॉज पिछले क्वार्टर में भी Q2 ओवर Q3 में इट वॉज अ 5% का ग्रोथ, 4.9 या 5% का लोन बुक का ग्रोथ, बट Q3 टू Q4 में इट्स ओनली 1.6%। सो द पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ हैज ऑल्सो कम डाउन। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ बिकॉज इन्होंने क्या किया, अपने कॉर्पोरेट और होलसेल बुक को डीग्रो कर दिया। ठीक है, अब देखोगे इनका कॉर्पोरेट होलसेल बुक डीग्रो कर गया बाई 2-3% ऑन अ क्यूओक्यू बेसिस, समथिंग लाइक दैट। और इनका जो भी ग्रोथ आया है वो है आपका रिटेल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग और अपना कमर्शियल बैंकिंग से। ठीक है, तो ये बनता है HDFC बैंक का। अब मैं अगेन हैविंग सेड दैट, और कुछ ज्यादा बोलने लिखने का कुछ है नहीं। जब कॉन कॉल होगा मैं तो वीडियोस बनाते ही रहूंगा, आपको तो सब बोलता ही रहूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं ऐसे कंपनीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं जो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया, फैला चुके हैं। अब इनका अगर आप देखोगे 8000 के ऊपर का ब्रांचेस भी है HDFC बैंक का, तो इतने बड़ा बैंक लोगे, 15% का ग्रोथ वाले कंपनी लोगे, तो वैसा ही रिटर्न मिलने वाला है। अभी हम दूसरा बात करते हैं, चलो और 2-3 बैंक डिस्कस करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं चलो बंधन बैंक की। बंधन बैंक का भी अगर Q4 का अपडेट देखोगे तो अच्छा ही आया है। बंधन बैंक का बाय द वे 50% ऑफ द बुक आज भी माइक्रो फाइनेंस में है, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को ग्रो करने के लिए ज्यादा प्रेशर, मतलब फोर्स डाल रहे हैं। सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक मतलब यहाँ पे आपका जो व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियो है, फिर आपका होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है, राइट, और कमर्शियल बैंकिंग का डिवीजन है, उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिकॉज बंधन बैंक को समझ में आ गया कि इफ द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक is a large part of the book, तो उसमें से पहले भी वो problems में पड़े थे और भी problems में वो पड़ सकते हैं। तो बंधन बैंक का अपडेट तो ठीक ही आया है। I mean, of course, as I said, के लिए वो अभी धीरे धीरे करके उनका जो microfinance का segment उसको धीरे धीरे घटाएगा और आगे जाके ये secured part of the book which is affordable housing, commercial banking, इसमें ज्यादा focus करेगा। तो अपडेट तो सही है। देखिए बंधन बैंक का अगर आप देखोगे advances और loan book grew 19% YOY, deposits grew very healthy, 20-25% का growth है YOY level पे। लेकिन ये जो अपडेट होता है ना, इसमें एसेट क्वालिटी देता नहीं है। ठीक है, बहुत फाइनेंशियल्स बंधन बैंक ने भी नहीं दिया, लेकिन बंधन बैंक का ग्रॉस एनपीए इन Q3 वो 7%, मतलब अगर 100 रुपए आप लोन दिए हो उसमें से 7 रुपीज में आपको 3-3 महीने का ईएमआई नहीं मिल रहा है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएनपीए। तो 7% का जीएनपीए, अगर एसेट क्वालिटी खराब है तो मुझे लोन बुक का ग्रोथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे साइड में आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट जाएगा अगर आपका एसेट क्वालिटी ठीक नहीं होता है तो, है ना। बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग पैसे आपको वापस नहीं मिल रहा है इंटरेस्ट के साथ, तो आप कब तक नया पैसा लेके लोगों को देते रहोगे, राइट। तो आपका लोन बुक का ग्रोथ भी घटता जाएगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स बंधन बैंक का एक हैबिट ही है कि लाइक उनका जो बैड लोन्स होते हैं वो उनको पैकेज करके एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देते हैं। इन्होंने रिसेंटली भी किया था, एक उनका जो हाउसिंग वाला बुक था वो जो उसका जो एनपीए था वो भी दे दिया। लेकिन पॉइंट ये ना कि हर टाइम आपका बैड लोन्स बनेगा और आप एआरसी को बेचते रहोगे ये, और जब आप बेच दोगे बैड लोन्स को तो ऑटोमेटिकली जीएनपीए का नंबर इंप्रूव होगा, है ना। जीएनपीए एनएनपीए बेटर होगा बिकॉज आप पूरा डिजीज वाला पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को हटा रहे हो, बाकी स्टैंडर्ड एसेट्स दिखाओगे तो ऑफ कोर्स आपका एनपीए नंबर कम ही लगेगा और अच्छा ही लगेगा। लेकिन आई वांट बंधन बैंक टू ग्रो ऑर्गेनिकली, एसेट क्वालिटी को बेटर करे, मतलब क्या, स्लिपेजेस को धीरे धीरे करके कम करे, रिकवरीज एंड अपग्रेड्स में ज्यादा फोकस करे, रादर देन जस्ट कीप पैकेजिंग द बैड लोन्स एंड कीप सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो बंधन बैंक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इनका तो वैसे आसाम में, बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड ज्योग्राफी था, उसके लिए भी इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। अभी आप देखोगे ये नॉर्थ में, वेस्ट में जाके अपना 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 पैन इंडिया एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस बना रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, वो लोग अपने सिक्योर पार्ट ऑफ द लोन बुक को भी ज्यादा करके फोकस कर रहे हैं। तो ये था अपडेट बंधन बैंक का। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात करते हैं, वो राजस्थान से चालू हुआ था, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इनका आप देखोगे 2-3 मेन डिवीजन है। एक उनका है आपका व्हीकल फाइनेंस डिवीजन और एक है आपका छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन देने का डिवीजन, जो कि स्मॉल आई थिंक उसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस लोन का एक डिवीजन होते हैं। और तीसरे उनका कमर्शियल बैंकिंग का भी एक डिवीजन है जहां पे वो बिजनेस लोन्स, एग्री लोन्स, फिर दूसरे NBFCs को जो लोन्स देते हैं वो डिवीजन में आते हैं। ठीक है, तो AU का अपडेट अच्छा ही आया हुआ है। उनका अगर आप देखोगे लोन बुक ग्रू 25% YOY, सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर फाइनेंशियल्स में बात बताओ स्पेशली इन द बैंकिंग स्पेस, तो वो AU है। इनका डिपॉजिट भी ग्रो किया 26% YOY, सो दैट्स अ प्रीटी इंप्रेसिव लोन बुक एंड डिपॉजिट का ग्रोथ का गाइडेंस। अब इनका कुछ चीजें आपको देखना पड़ेगा जब मेन रिजल्ट्स आएगा, कि रिसेंटली दे गॉट इनटू द होल माइक्रो फाइनेंस स्पेस बाय एक्वायरिंग दिस कंपनी कॉल्ड फिनकेयर करके कंपनी है। अभी आई गेस उनको वो सारे अप्रूवल मिल गया है, इन्होंने अपना कंसोलिडेटेड नंबर्स देना भी चालू कर दिया है। सो फिनकेयर कंपनी क्या है, वो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी साउथ इंडिया बेस्ड है। सो AU अभी क्या किया, साउथ इंडिया में भी जैसे मैंने बताया
उनका नॉर्थ और वेस्ट में ज्यादा होल्डिंग है, राइट। अभी वो साउथ में फिनकेयर के थ्रू से जाके अपना 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 डाइवर्सिफिकेशन भी किया, एक नया ज्योग्राफी में भी एंट्री किया और माइक्रो फाइनेंस। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लाइक एयू का स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपना माइक्रो फाइनेंस में क्या करते हैं, बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस डिवीजन। बट अगेन हैविंग सेड दैट, फिनकेयर इज अ गुड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और फिनकेयर का कोई बैड लोन्स एयू नहीं ले रहा है, ये बात दिमाग में आप रख लीजिए। बिकॉज ऐसा भी कभी कभार होता है कि फिनकेयर का बैड लोन्स एयू ले लिया और एयू का जीएनपीए बढ़ गया, लेकिन एयू का मैनेजमेंट ने बोला ऐसा कुछ सिचुएशन है नहीं। अब दूसरा पॉइंट ये भी देखना है कि एयू का जो बुक है, मतलब इनका जो लोन बुक है, उसका मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बुक इज फिक्स्ड। अब देखोगे इक्विटस का मैं एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसका भी मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बुक इज फिक्स्ड। अब प्रॉब्लम क्या है, इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट आपका अगर लोन बुक फिक्स्ड है तो क्या है, आपका नीम्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एयू का इक्विटस का भी यही सीन हुआ कि लाइक सिंस इनका 60-80% के बीच में इनका बुक फिक्स्ड है तो इनका नीम्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आरओई का नंबर थोड़ा बहुत घट गया, ठीक है। लेकिन ये नेचर ऑफ द बिजनेस है और एयू और इक्विटस हमेशा यही बोलता रहता है कि लाइक, क्योंकि आगे जाके जब साइकिल घूमेगा, रेट तो कभी ना कभी घटेगा ना, जब घटेगा तो इक्विटस और एयू जैसे बिजनेसेस को अपना नीम्स का एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, जो कि एक दो साल पहले का सिचुएशन था, है ना। तो यही बन जाता है बात। अब ऑफकोर्स मुझे ये नहीं पता है कि लाइक, क्योंकि बिजनेस अपडेट था, ओवरऑल बुक 25% से ग्रो किया, लेकिन आई डोंट नो उसमें उन्होंने वो सब कैटेगराइजेशन नहीं किया कि ये व्हील्स और स्मॉल बिजनेस लोन में किस रेट से ग्रो किया। तो ये था, बट अच्छा ही लगा मुझे एयू का। बट ऑफकोर्स आरओई का नंबर, एनपीए का नंबर, वो सब तो मेन रिजल्ट के टाइम ही पता चलेगा। आई विल मेक वीडियोज एंड कीप शेयरिंग विद यू। तो फोर्थ वाला जो बैंक है वो है कि इंडसइंड बैंक एक अच्छी बैंक ही नहीं, लाइक उन्होंने मैनेजमेंट ने हमेशा बोल के रखा कि हम 18, 18 और 23% से अपने लोनबुक को ग्रो करेंगे, एंड एवर सिंस द गाइडेंस जो दिया है, इनका लोनबुक का ग्रोथ का पेस उसी रेंज में ही आ रहा है। लाइक अभी भी अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक का कुछ 19-20% का रेट से उन्होंने अपने लोनबुक को बढ़ाया। इंडसइंड बैंक का बुक जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है देन द अदर बिग बैंक्स लाइक HDFC एंड ऑल दैट। सो इंडसइंड बैंक आप देखोगे 26% ऑफ द लोन बुक है उनका ऑटो बुक में। तो जब ऑटो साइकिल अच्छा करेगा तो इंडसइंड का भी डिसबर्सल बढ़ जाता है एंड दे डू गुड, जो पिछले एक दो साल में आप देख रहे हो दैट ऑटो पार्ट ऑफ द बुक इज डूइंग वेल, क्योंकि द ऑटो साइकिल हैज बीन कमिंग बैक अप, CV, CE, मतलब जो भी आप देख सकते हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड ऑल दैट। एंड इंडसइंड बैंक इज अ गुड बैंक टू ट्रैक द ऑटो सेक्टर एज वेल, क्योंकि अगर आपको पता है कि लाइक जो ऑटो फाइनेंसर्स है, जैसे इंडसइंड बैंक हो गई, फिर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इंडो स्टार हो गया, एक NBFC है, फिर आप चोला फाइनेंस देख लो जिसका 55-60% ऑफ द बुक आज भी व्हीकल फाइनेंसिंग में है। तो ऑटो सेक्टर कैसा कर रहा है, इसके लिए आपको ऑटो कंपनीज तो ट्रैक करोगी और ऑटो फाइनेंसर्स को भी ट्रैक करनी है, बिकॉज वो आपको बता देगा ऑन ग्राउंड पे कौन से स्पेस में अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे इंडसइंड बैंक ने पिछले क्वार्टर में ये भी बताया था कि कमर्शियल व्हीकल और दूसरा चीज जो है वो है आपका ट्रैक्टर, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और थ्री व्हीलर में उतना ग्रोथ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अशोक लेलैंड का भी रिजल्ट आप देख सकते हो, एस्कॉर्ट्स का भी देख सकते हो पैरेलली, तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स इन योर हेड, ठीक है। तो आप देखोगे वहां भी आपको उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा, ट्रैक्टर का सेल्स का तो डीग्रोथ आ रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है ना, देन इट हेल्प्स यू टू मेक बेटर इन्वेस्टिंग डिसीजंस और कहां पैसा डालना है और कहां से दूर रहनी है, गॉट इट। लेकिन इंडसइंड बैंक बहुत ही स्टेबल बैंक है, जैसे मैंने उनका माइक्रो फाइनेंस का भी एक डिवीजन है जो 12-13% है उनका बुक का, और बाकी उनका एक रिटेल और होलसेल का बुक है। रिटेल मतलब यहां पे, होलसेल मतलब यहां पे बड़े मीडियम छोटे कॉर्पोरेट्स है, एंड ऑफ कोर्स लाइक अदर कॉर्पोरेट्स आल्सो इंडसइंड बैंक इज फोकसिंग मोर ऑन द स्मॉल एंड मिड साइज कॉर्पोरेट्स, क्योंकि वहां पे यील्ड ज्यादा है, राइट। और ऑफ कोर्स रिस्क को तो मॉनिटर उनको करना पड़ेगा, एंड रिटेल सेगमेंट में भी दे आर फोकसिंग आल्सो ऑन द फोकसिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड में भी है, सिक्योर्ड में भी है। सो दे आर आल्सो ट्राइंग टू ग्रो द ऑर्गेनिक बुक, सॉरी द होम लोन का बुक ऑर्गेनिकली। अब देखोगे HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक का दोनों का कोई होम लोन का बुक नहीं था, ठीक है। लेकिन HDFC बैंक ने क्या किया, HDFC लिमिटेड को मर्ज कर लिया और पूरा उनका होम लोन का बुक ले लिया। लेकिन इंडसइंड बैंक का कहना है कि हम ऐसा कोई मर्जर वर्जन नहीं करेंगे किसी के साथ, हम क्या करेंगे ऑर्गेनिकली अपने होम लोन को बढ़ाएंगे, होम लोन बुक को बढ़ाएंगे। क्योंकि होम लोन का बुक का एडवांटेज यही है ना कि लाइक होम लोन अगर कोई कस्टमर ले लिया तो 20-25 साल तक वो कस्टमर रहता है विद दैट फाइनेंशियल, एंड इन दैट टाइम यू कैन क्रॉस सेल अदर आइटम्स एज वेल, राइट, क्रेडिट कार्ड, टू व्हीलर लोन, थ्री व्हीलर लोन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो अगर होम लोन का बुक नहीं है तो योर कस्टमर्स इज नॉट ए स्टिकी, जिसके वजह से HDFC बैंक का ये मेन मुद्दा था कि वो HDFC का ये मर्जर क्यों करे, राइट, बिकॉज दे वॉन्ट मोर स्टिकी कस्टमर। जैसे ICICI का अपना एक तगड़ा होम लोन का बुक है, एक्सिस बैंक का है, जो HDFC के पास नहीं था लेकिन अभी आ गया है। तो इंडसइंड भी यही करने का कोशिश कर रहे,
एंड आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक दे वुड वांट टू ग्रो द होम लोन का बुक टू आई थिंक इनका 8-10% ऑफ द टोटल बुक होम लोन का हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3-4 years. तो अपडेट तो सही है इन द सिंह बैंक का. इनका इनका एक डिसअपॉइंटिंग बात है कि इनका डिपॉजिट्स ओनली ग्रो 14%, बिकॉज अगर मैं देखूँ कि लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ इज 19-20% बट डिपॉजिट्स आर ग्रोइंग 14%, क्योंकि बिकॉज डिक सी आप यू हैव टू ग्रो इट हैज टू बी अ डिपॉजिट लेड लोन बुक ग्रोथ, है ना. बिकॉज कल अगर जाके आपका डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ तो आपका खुद का पैसा कितना होता है, इक्विटी का बेस हार्डली कुछ होता है, फाइनेंशियल्स आर ऑल लेवरेज, हाईली लेवरेज बिजनेसेस. तो अगर आपका डिपॉजिट का बेस 13-14% से ग्रो कर रहा है तो लोन बुक का भी पेस घट सकता है गोइंग फॉरवर्ड. तो वो एक इशू है, लेकिन अभी तक के लिए तो इंडसइंड का कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है. चलिए ये चारों कवर किया, आई हैव सो मेनी मोर कंपनीज टू कवर, मैं एक वीडियो बना के आपको बाकी का भी अपडेट्स देता रहता हूँ.